बुलेटिन की शुरुआत कर रही हूं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर में 18 साल के इकबाल की हत्या पर तनाव है। हत्या के विरोध में सड़क पर सैकड़ों मुस्लिम उतर आए हैं। सड़कें जाम हैं, दुकानें बंद करा दी गई हैं और इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। बताया जा रहा है कि दो बाइक सवार आपस में टकरा गए, दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। कॉलोनी के लोगों ने ऐसा करने से टोका, एक बाइक सवार वहां से निकल गया, दूसरा बाइक सवार कॉलोनी वालों से लड़ने लगा और इस दौरान बाइक सवार और कॉलोनी के लोगों में मारपीट शुरू हो गई। तभी 18 साल के इकबाल की मौत हो गई। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य लाइव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये आखिर पूरा मामला है क्या? एक मुस्लिम युवक की हत्या जानबूझ के की गई, पूरे इरादे से की गई, ये हंगामा क्यों हो रहा था? इस पर हम तमाम जानकारियां आपसे लेंगे, लेकिन एक बार फिर से इन तस्वीरों को जरा दर्शकों को समझा दें। ये दो तस्वीरें, पहले तो सीसीटीवी में जब मर्डर हुआ उस वक्त ये तस्वीर है, 18 साल के इकबाल की मौत हो गई, और दूसरी तस्वीर सुबह की जब इस युवक की हत्या के बाद पूरे समुदाय में बहुत नाराजगी है, आक्रोश है, सभी सड़कों पर निकल आए हैं युवक की हत्या को लेकर, इकबाल की हत्या को लेकर लोगों में नाराजगी है। रोड रेज में इकबाल की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये मामला रोड रेज का है। जयपुर में एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई, मामला रोड रेज का है। आपको जानकारी दे दी, हत्या के विरोध में इस वक्त सैकड़ों मुस्लिम सड़क पर उतर आए हैं, सड़कें जाम हो गई हैं, दुकानें बंद कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि दो बाइक सवार आपस में टकरा गए थे और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। कॉलोनी के लोगों ने ऐसा करने से टोका, एक बाइक सवार वहां से निकल गया जबकि दूसरा बाइक सवार कॉलोनी वालों से लड़ने लगा, और इसी दौरान बाइक सवार और कॉलोनी के लोगों में मारपीट शुरू हुई और इसी मारपीट में 18 साल के इकबाल की जान चली गई। सोचिए, किसी के घर का चश्मचिराग, किसी के घर का लड़का, 18 साल का युवा मारा गया। भाई, ओ भाई, भाई, ओ भाई, भाई, अरे ऐसे कर भाई, उठिए भाई, ओ भाई, कि लोग इस वक्त सड़क, इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वाकई में परेशान करने वाली तस्वीर, एक 18 साल का युवा इकबाल रोड रेज का शिकार हो गया, इसकी मौत हो गई। इस वक्त जयपुर में खासा तनाव है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य की एक रिपोर्ट देखिए। जयपुर के सुभाष चौक मेहरा कॉलोनी में देर रात को जम के बवाल हुआ है। दरअसल जिस जगह मैं मौजूद हूँ उसी जगह बताया जा रहा है कि बाइक सवार दो लोग आए और दो पक्षों में हंगामा हुआ बाइक लड़ने को लेकर, और उसके बाद जब दोनों के बीच गाली गलौच हो रही थी तब कुछ युवक यहाँ पर उनको टोकने के लिए आए कि इस तरीके से गाली गलौच ना करें, लेकिन उसमें एक शख्स जो इकबाल नाम का है उसको बताया जा रहा है कि अचानक किसी ने सरिया मारा सर पर और उसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जो वीडियो है उसमें दिख रहा है कि इकबाल इसी जगह पर पड़ा हुआ है, उसके सर से खून निकल रहा है लहूलुहान हालत में, और उसके बाद यहाँ पर जम के हंगामेबाजी हुई, ज़बरदस्त भीड़ आ गई और पूरे इलाके में तनाव फैल गया था, और उसके बाद भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया। अभी भी आप देख रहे हैं पुलिस के बड़े बड़े वाहन और अलग अलग जगह से पुलिस अधिकारी यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। हालांकि देर रात तक की वार्ता चली है, एक व्यक्ति को डिटेन भी कर लिया गया है, मुख्य आरोपी को, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो शख्स इकबाल था उसकी जो कहासुनी कुछ लोगों से हुई तो उसको यहाँ पर ही मारा गया, और मारने के बाद ही उसकी बॉडी को यहाँ पर छोड़ के कुछ लोग यहाँ से भाग गए। इलाके में बहुत ज़्यादा तनाव इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि लोग कह रहे हैं दूसरे पक्ष के कि आखिरकार जानबूझ के इकबाल को घेर के क्यों मारा गया, जबकि कहासुनी सिर्फ बाइक को लेकर हुई थी। बहरहाल अभी यहाँ पर मौके पर पुलिस अधिकारी तैनात हैं, तमाम देखिए पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है, देर रात से समझा बुझा के लोगों को यहाँ से हटाया गया है कि किसी तरीके का कोई तनाव ना रखें, दुकानें खोल दी गई हैं। लेकिन रात को बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना घटी
उस वक्त जम के यहाँ पर हंगामा हुआ था, लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए थे। उसके बाद जब पुलिस बल यहाँ पर तैनात हुआ तब लोगों को समझा बुझाकर यहाँ से हटाया गया है। लेकिन इकबाल की मौत ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या कहीं ये मॉब लिंचिंग तो नहीं है, क्योंकि एक शख्स को तमाम लोगों ने घेर के मारा है। इस सवाल पर कोई बोलने वाला तो नहीं है, लेकिन पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है और उससे अभी पूछताछ की जा रही है कि उसके साथ और कौन लोग थे जो इस घटना में शामिल थे। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी जयपुर। जयपुर में माहौल खराब हो रहा है और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जुड़े हुए। मनीष, मैं देख रही हूँ इस वक्त फ्लैग मार्च किया जा रहा है, आप जरा तस्वीरें बताएं और माहौल क्या है दर्शकों को बताएं। जी हाँ, देखिए फ्लैग मार्च हो रहा है, खुद तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं। कुंवर राष्ट्रदीप जो हैं वो एरिया में पूरा फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि किसी तरीके की कोई घटना ना घटित हो, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। और नाराज़गी के चलते पहले तो जो लोग हैं वो सड़क पर बैठे हुए थे और उसके बाद दुकानें कई बंद करा दी गई, उसके बाद ही यहाँ से कुंवर राष्ट्रदीप निकले। और पूरे इलाके में शांति बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, शांति बहाल करने के लिए ही ये पूरा मार्च किया जा रहा है। राष्ट्र दीप जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, पूरी कोशिश यही है कि किसी तरीके से शांति बनी रहे। आप देखिए, पहली अभी कोशिश यही है कि यहां पर शांति बहाल हो, क्योंकि आप देखिए हजारों की तादाद में यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है चौराहे पर। आप देखिए यहाँ पर जो सारे लोग हैं जो सड़क पर बैठे हुए थे वह इस चौराहे पे आ गए हैं। देखिए आप, ज़बरदस्त भीड़ है। कुंवर राष्ट्रदीप जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, फ्लैग मार्च करते हुए पूरा दिखा रहे हैं कि किसी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो, शांति बनी रहे। यहाँ पे पास में ही रामगंज थाना है, रामगंज थाने के पास अब ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, इकट्ठा हो गए। और आप देखिए पूरा रामगंज जो है हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है। इकबाल की देर रात को पीट पीट के हत्या की गई, उसके बाद ही ये विरोध है और इस विरोध में जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर सड़क पर आ गए हैं। कुंवर राष्ट्रदीप, पुलिस के तमाम आला अधिकारी सब यहाँ पर इस कोशिश में है कि किसी तरीके से मामले को शांत कराया जाए, कोई घटना ना घटित हो। इसको देखते हुए ही इन लोगों की जहाँ पे भीड़ जा रही है वहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो जा रहे हैं ताकि ये शांति बनी रहे। और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो सड़क पर उमड़ पड़ रहे हैं। CCTV में साफ दिखाई दे रहा है कि पहले मोबाइल को लेकर कहा सुनी, देखिए ज़बरदस्त हंगामा हो रहा है यहाँ पर, दुकानों में तोड़फोड़ हो रही है बहुत ज़बरदस्त। ये आप देखिए बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हो रही है दुकानों में। आप देखिए पुलिस कोशिश कर रही है, बहुत लाठीचार्ज किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है। देखिए ये हाथापाई कर रहे हैं यहाँ से इस समय हम लोगों के साथ। और अभी फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि दुकानों में जम के तोड़फोड़ हो रहा है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, कोशिश ये कर रही है कि किसी तरीके से जो है शांति बनी रहे। सामने की जो दुकान आप देख रहे हैं वहाँ पर जम के तोड़फोड़ हुई है, एकदम से ये जो भीड़ है वो यहाँ पर आई और उसके बाद तोड़फोड़ करने लगी, दुकानों को बंद कराया गया। और अब आप देखिए ज़बरदस्त यहाँ पर भीड़ है और भीड़ जो है वो यहाँ पर कोशिश ये कर रही है कि किसी तरीके से लोग हटे रहे। और आप देखिए पीछे फिलहाल बड़ी तादाद में लोग इस सड़क पर, लोगों की नाराज़गी थी, लोग नाराज़गी होने की वजह से पहले यहाँ पर खुर्रा जो जगह है वो यहाँ पर बैठे हुए थे और उसके बाद यहाँ से इधर की तरफ हज़ारों की तादाद में लोग निकले, दुकानों में तोड़फोड़ हुई, दुकानों को बंद कराने की कोशिश की गई और उसके बाद जब पुलिस यहाँ पर पहुँची तब लोगों को इधर उधर हटाया गया है। अभी देखिए ये फोर्स डिप्लॉय किया गया है रामगंज थाने में, यहाँ पर अतिरिक्त जो जाफ्ता है वो यहाँ पर बुलाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि रात को पुलिस बल काफ़ी तैनात किया गया था, पूरे मामले को समझा बुझा के शांत किया गया था और जम के हंगामा हो रहा है। अब यहाँ रामगंज थाने के बाहर आप देखिए, आपको हज़ारों की तादाद में भीड़ दिखेगी। पुलिस ने यही कोशिश की है कि लोगों को समझा बुझा लें, लेकिन फिलहाल अभी शांति बहाली की कोशिश है कि शांति बनी रहे और कोई नाराज़गी ना रहे, क्योंकि निर्मम तरीके से इकबाल को पीटा गया है और ये बताया गया है कि टारगेट करके इकबाल को मारा गया था। CCTV में तमाम चीज़ें सामने जब आईं तो उसके बाद जो है लोगों ने अपनी नाराज़गी जताई कि आखिरकार क्यों इस तरीके की घटना हुई है, क्यों किसी व्यक्ति के ऊपर लाठीचार्ज किया गया या उसको डंडे से पीटा गया, दो पक्षों की अगर बात थी तो। उसके बाद शांति तरीके से जब ये लोग बैठे हुए थे यहाँ पर तब ये मांग कर रहे थे कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। और अभी आप देखिए ये लोगों को तितर बितर किया जा रहा है जो हंगामा कर रहे हैं यहाँ पे, जिस तरीके से देखिए पकड़े गए हैं कुछ लोग जिन्होंने दुकानों में जो तोड़फोड़ करी है यहाँ पे जो भीड़ आई है।
उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी कि भाई अगर आक्रोश था तो सड़क पर क्यों उतर के इस तरीके का आक्रोश जताया, क्यों दुकानों में तोड़फोड़ करी, इस तरीके की घटना को अंजाम क्यों दिया है। और अभी आप देखिए अभी भी लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, नाराज़गी इस बात की है कि इकबाल की हत्या हुई, हत्यारे पूरी तरीके से अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जो भी हत्यारे थे वो कहाँ हैं, मेन जो अक्यूज्ड है वो फिलहाल गिरफ्तार नहीं हुआ है। और मेन अक्यूज्ड की गिरफ्तारी को लेकर ही ये मांग थी कि निर्मम तरीके से इकबाल की हत्या की गई, आखिरकार अपराधी अभी तक के क्यों नहीं गिरफ्तार हुए, इसी को लेकर ही लोगों में बहुत नाराज़गी थी, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। उसके बाद अचानक से ये जो भीड़ है वो यहाँ पर आई नाराज़गी दिखाने के लिए, दुकानों में तोड़फोड़ हुई, उसके बाद जो पुलिस है वो यहाँ पर समझा बुझा के शांति बहाल करने की कोशिश कर रही है। तो हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त लगातार लोकेशन से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, जैसा कि मैं देख पा रही हूं कि तोड़फोड़ हो रही है और पुलिस का डर इन लोगों में दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि इस मामले में जो उचित कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी और कार्रवाई में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन इसके बावजूद फिर ये आक्रोश क्यों दिखाया जा रहा है और ये फ्लैग मार्च के दौरान हो रहा है, लोग आक्रोशित हो रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप फ्लैग मार्च हो रहा है, आप देखिए तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन जो पीछे के जो अभी हालात आपने देखे हैं वो आपके सामने हैं। खुद यहाँ पर DCP तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, अतिरिक्त जाप्ता बुला लिया गया है, अब कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होगी ज़रूर जिन्होंने इस तरीके की तोड़फोड़ की है। राहुल प्रकाश, कुंवर राष्ट्रदीप, DCP नॉर्थ सब यहाँ पर मौजूद हैं, देर रात तक के पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसफ यहाँ पर मौजूद थे और अभी एकदम से हालात बिगड़ चले थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर है और अभी भी ये बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ लगातार हंगामेबाजी हो रही है। और आप देखिए राहुल प्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन राहुल प्रकाश जी से ही हम बात करते हैं कि आखिरकार जो स्थिति है वो काबू में रहे। सर पूरा मैम कुछ तो बताइए, सिचुएशन सर कंट्रोल? हाँ बिल्कुल कंट्रोल में, कोई इशू नहीं है। हम लोग रात को जो थे वो गिरफ्तार हो गए, राउंड अप किया गया है, जो भी संदिग्ध थे उनको राउंड अप किया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। अचानक से मॉब आई और उसके बाद यहाँ पर फिर क्यों इस तरीके से? विशेष बात नहीं थी, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन हुआ था, तो अभी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, कोई विशेष बात नहीं। राहुल प्रकाश हैं, आज इन्होंने बताया है कि राउंड अप तो जरूर किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से अचानक से मॉब आया और मॉब आने के बाद यहाँ पीछे दुकान में स्पेशली कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई, कुछ लोगों को राउंड अप किया गया, कुछ कल की घटना भी राउंड अप हुए हैं, दुकानों को बंद कराया जा रहा था। जैसा कि मैं सुबह से इस बात को बता रहा था कि तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, इकट्ठा होने में नाराज़गी इस बात की थी कि इकबाल की जिन्होंने हत्या की है उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। रात से सुबह का वक्त हो गया, लोग मौजूद थे और इसके बाद जब यहाँ पे बातचीत पुलिस से की जा रही थी तो अंदर रफीक खान और अमीन खान जो कि विधायक हैं यहाँ से और आदर्श नगर से, ये दोनों थाने में मौजूद हैं और उसके बाद अचानक से यहाँ से एकदम से मॉब आए और मॉब आने के बाद यहाँ पर जम के हंगामेबाजी हुई और तोड़फोड़ की। अभी भी आप देखिए फ्लैग मार्च यहाँ पर हो रहा है, फ्लैग मार्च करके यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है, लेकिन जो कुछ दुकानें थी इस पूरे परकोटे की उसको बंद कर दिया गया, दुकानें बंद हो गई और उसके बाद अब यहाँ पर स्थिति नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अचानक से आए जिन्होंने तोड़फोड़ किया। ये पूरा जो सामने का आप इलाका देख रहे हैं ये वो रामगंज है, लालड़ी का खुर्रा जहां का वो रहने वाला था इकबाल, और यहां पे अभी आप देखिए सड़क पर हजारों का हुजूम यहां पर मौजूद है, नाराजगी ज्यादा है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये तरीका शायद सही नहीं है कि इस तरीके से एकदम से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगाड़ देना, इस तरीके से अव्यवस्था कर देना, खासतौर तब जब उनके क्षेत्र के जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप देखिए एरिया डोमिनेंस के लिए पुलिस जो है दोनों तरफ से आ रही है ताकि इन लोगों को किनारे किया जाए, पुलिस जो है लाउड स्पीकर पर मुनादी कर रही है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं भीड़ ना लगाएं और यहाँ से हट जाएं, लेकिन अभी आप देखिए लालडी का खुर्रा जहाँ पर इन लोगों को भेजा जा रहा है पुलिस के साथ, ये पूरा जो रोड है परकोटे का आप देखिए ये बंद कर दिया गया है। इनकी ये डिमांड है कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, जानबूझ के इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, अपराधी क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं, मेहरा कॉलोनी के लड़के थे उनको गिरफ्तार करें जल्द से जल्द, लेकिन उसी बात को लेकर नाराजगी हुई तो नाराजगी होने के बाद दुकान बंद करा दी गई, दुकान जब बंद कराई तो उसके बाद यहां से जो है एक भीड़ समुदाय विशेष के बाहर की तरफ निकले और ठीक थाने के सामने दुकान में तोड़फोड़ करने लगे, तोड़फोड़ करने के बाद स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ गया, हालात ये हो गए कि पुलिस मौके पर थी, पुलिस यहां पर लोगों को हटाने लगी, कुछ लोगों को डिटेन किया गया है जिन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ करने की कोशिश करी और अब
अभी की आप स्थिति देखिए, इस ये जो रोड है पूरा, ये रामगंज से बड़ी चौपड़ की तरफ जाता है, माणक चौक की तरफ, और इस रोड पर जितने भी लोग हैं वो इकबाल की हत्या के विरोध में सड़क पर मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं और इनकी मांग है कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। नाराजगी जबरदस्त है, इनमें आक्रोश बहुत है और इस आक्रोश के चलते ही इस तरीके की घटना हुई कि अचानक से पुलिस की मौजूदगी में ये लोग आए और उस गली में जाके दुकान में तोड़फोड़ करने लगे और उसके बाद अब पूरे हालात को संभालने की कोशिश और जबरदस्त पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग थानों की जो जितने भी DCP कमिश्नरेट के जो पुलिस हैं वो यहाँ पर बुलाए गए हैं और इस पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार इस तरीके की कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ी, जब लोग यहाँ पर मौजूद थे उसके बाद यहाँ से बैरिकेड से आगे कैसे निकल गए, जबकि यहाँ पर रफीक खान और अमीन कागजी थाने के अंदर बैठ के बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद फिर इस तरीके की घटना क्यों हुई कि भीड़ यहाँ से आता है और थाने के सामने दुकान में तोड़फोड़ करके चला जाता है, कुछ लोगों को डिटेन किया जा रहा है। बिल्कुल, अभी इस मामले में जो वहाँ के विधायक हैं, सरकार है और प्रशासन है, सभी को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, तभी माहौल शांत हो पाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।